Now the question on the board is exercise question 2.11. Why do gases always tend to be less soluble in liquids as the temperature is raised? तो question में हमसे पूछा है कि liquid का temperature raise करने पे gases जो है कम dissolve क्यों होती हैं, less soluble क्यों होती हैं? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस या डिजॉल्विंग ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है। तो डिजोल्यूशन में क्या होगा कि अनडिजॉल्व होगी गैस अगर टेम्परेचर रेज करेंगे तो। दिस इज अकॉर्डिंग टू ले शातेलिए प्रिंसिपल। इसके अलावा हम और क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैसेस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उनकी जो सॉल्यूशन में रहने की टेंडेंसी है वो लेस होगी और दे विल एस्केप आउट ऑफ द सॉल्यूशन। सो लेट्स राइट द आंसर टू द क्वेश्चन। डिसॉल्यूशन of a gas in a liquid is an exothermic reaction. For exothermic reactions, the equilibrium shifts backward. According to Le Chatelier principle, therefore the gases are simply therefore gases become less soluble in liquids on raising the temperature. Another thing we can add in this answer is on raising the temperature, of solution the gaseous molecules gain kinetic energy and escape out of the solution. So this will be the answer to the question